अबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, अगर आपको रिलीज करते हैं तो हम चाहेंगे कि आप आधिकारिक ड्यूटी न करें, फाइलें साइन इन न करें। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि वह किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन LG भी साइन न होने की वजह से फाइल न रोके। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में कोई आदेश नहीं सुनाया। केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि केजरीवाल अद्यतन अपराधी नहीं है। हालांकि ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल अंतरिम जमानत का विरोध किया। केजरीवाल केस में कल कोर्ट में वकीलों ने क्या क्या दलीलें दी, आइए जानते हैं। ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि हवाला ऑपरेट के जरिए 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। मनीष की जमानत खारिज होने के बाद अभियोजन पक्ष की शिकायत पर 1100 करोड़ अटैच हुए जस्टिस खन्ना, लेकिन दो सालों में 1100 करोड़, लेकिन शुरुआत 100 करोड़ से होने की बात है। वहीं राजू, जब छानबीन शुरू हुई तो केजरीवाल का नाम नहीं था, उनका रोल बाद में आया, इसलिए शुरुआती जांच में कोई सवाल नहीं किया गया क्योंकि छानबीन में उन पर कोई फोकस नहीं था। गवाहों के बयान देखे जाए कोई विरोधाभास नहीं है। जस्टिस खन्ना, 100 करोड़ की बात कहां से आई? आपके पास केस डायरी या केस फाइल तो है, आप उसे पेश करें, हम अफसर की नोटिस देखना चाहेंगे। दूसरा मुद्दा यह है कि आपको इस मामले में 2 साल क्यों लगे? किसी भी एजेंसी के लिए यह कहना सही नहीं है कि उन्हें चीजों को उजागर करने में 2 साल लगे हैं। इस पर जस्टिस राजू ने कहा, हमने पाया कि वो गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल 7 स्टार होटल में रुके थे, जिसने कैश स्वीकार किया था उसने होटल के बिल का पार्ट पेमेंट किया है। जस्टिस खन्ना, आप बताएं कि केजरीवाल का नाम पहली बार कब आया? राजू, 23 फरवरी 2023 को पहली बार बुच्ची बाबू के बयान में आया था, उन्होंने कहा था कि मुंगरटा रेड्डी ने केजरीवाल से मिले थे। जस्टिस खन्ना, क्या जो बयान आया है वह बयान कानूनी तौर पर स्वीकार्य है? आप सिर्फ वह बयान बताएं जिसमें केजरीवाल का रोल आया है और वह संलिप्त पाए गए। रिमांड के दौरान आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिमांड अर्जी को जस्टिफाई करें। केजरीवाल की ओर से दलील है कि आपके अपने दायित्व का निर्वहन इस दौरान किया गया है, वह सही हो सकते हैं और नहीं भी। जस्टिस दत्ता, अगर कोई मटेरियल है तो आप बताएं जिससे वह दोषी है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कहे कि दोषी नहीं है तो वह भी बताएं। क्या आप सिलेक्टिव हो सकते हैं? आपको बैलेंस अप्रोच रखना होगा। जस्टिस खन्ना, क्या आप बताएंगे केजरीवाल किस बयान के आधार पर संलिप्त है और किस तारीख को? इस पर राजू, मेरे लिखित दलील में है। जस्टिस खन्ना, वह चुने हुए CM है, चुनाव चल रहा है, वह अति विशेष परिस्थिति में है। इस पर मेहता ने कहा, हम कौन सा उदाहरण पेश कर रहे हैं? क्या आप लोगों को महत्व CM से कम है? साथ ही मेहता आगे कहते हैं कि CM से मामले में अलग नहीं देखा जाना चाहिए, क्या हम राजनीतिक लोगों को अपवाद बनाएंगे? जस्टिस खन्ना, ये अलग बात है, चुनाव 5 साल में एक बार होता है, हम इसे सराह नहीं कर सकते। हम नहीं चाहेंगे कि राजनीतिक लोगों को अलग अलग ट्रीट दिया जाए, लेकिन यह मामला अति विशेष परिस्थितियों का है, देश में चुनाव हो रहा है। मेहता, अगर उन्होंने सहयोग किया होता तो शायद गिरफ्तार न होते, अब ये कह रहे हैं कि रैली करेंगे। जस्टिस खन्ना, वह इस बात को कहने के लिए अधिकार रखते हैं कि चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों हुई, हम इस पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। मेहता, चीफ मिनिस्टर समन से भाग रहे थे, यह गलत मैसेज था, अगर उन्हें सहूलियत दी गई तो कॉमन मैन में गलत मैसेज जाएगा। जस्टिस खन्ना, हम आपके ऑब्जेक्शन को समझते हैं, आप अपनी दलील को अंतरिम जमानत पर करें, हम उनकी दलील को सुनेंगे, हम जानते हैं कि 9 समान उन्हें अस्वीकार किया है। मेहता, पहले हमें आपको सुनना चाहिए, आसमान नहीं गिरेगा। जस्टिस खन्ना, नहीं, यह समय लौटेगा नहीं। मेहता, CM के बिना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रुकता है, उन्होंने साइन नहीं करने हैं। जस्टिस खन्ना ने सिंधवी से पूछा, क्या ये सही है? सिंधवी, LG ने अभी 2 हफ्ते पहले फाइल वापस इसलिए की कि उससे CM के दस्तखत नहीं है। जस्टिस खन्ना, अगर हमने आपको रिलीज किया तो आप चुनाव में हिस्सा लेंगे, ऑफिशियल ड्यूटी करेंगे तो इसका व्यापक प्रभाव होगा। सिंधवी, पूरा देश मुझे देख रहा है, ED मुझे ह्यूमिलेट कर रही है, 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ। जस्टिस खन्ना, अगर हमने आपको रिलीज किया तो हम साफ करना चाहेंगे कि हम नहीं चाहते कि आप ऑफिशियल ड्यूटी करें, ये संतुलन का मामला है। सिंधवी, हम कोर्ट से अंडरटेकिंग देंगे कि फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन यह कंडीशन हो कि LG काम नहीं रोकेंगे। खबरी चौखट की रिपोर्ट।